हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हमारा फोर्थ एनिवर्सरी है और देखते देखते 4 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। और टाइम बहुत फास्ट चल रहा है और अभी हम लोग का इतना बिजी शेड्यूल है कि हम लोग को मतलब दिन रात सब कुछ सेम है और वीकेंड तो पूछो मत, वीकेंड भी पूरा सेम है। सैटरडे संडे भी पूरा सेम ही लग रहा है एज यूजुअल, जैसे मंडे टू फ्राइडे लगता है। तो लाइफ एक टाइप से मोनोटोनस हो गया है अभी। हाँ। तो बट आज कुछ स्पेशल दिन है, तो आज का दिन हम लोग कैसे बिताते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में बने रहे, और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग वीडियो देखते रहिए और वीडियो सारे वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाय। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि मतलब वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो वही मतलब अभी तो थोड़ा ठंड है बाहर, काफ़ी ठंड है इनफैक्ट, तो हम लोग बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं और घर पे भी मतलब अभी तो चुपचाप बैठा है बट बहुत बदमाशी कर रहा है। मैं आप लोगों को आगे शेयर करूंगी थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा और सब कुछ इधर उधर कर दे रहा है और पूरा भाग रहा है। तो वही है, तो इसलिए हम लोग वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी आज का वीडियो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। और अभी तो हम लोग लंच भी नहीं किए हैं, तो आज मैं लंच में पूरी और सब्जी बनाई हूँ। तो रात में हम लोग तो थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, आप लोग देखेंगे आगे तो पता चलेगा। तो अभी हम लोग खाएंगे पूरी सब्जी और तुम सोने चलो। ओके, गिग थोड़ा सोया था फिर उठ गया। ठीक है, मिलते हैं फिर। कैसा लग रहा है पूरी सब्जी? बहुत ही अच्छा है और काफी मेहनत करके बनाए है, तो अच्छा लगेगा। मतलब फ्रेंड्स क्या बोलूं, इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हम लोग का, बिल्कुल टाइम ही नहीं हो रहा बच्चे की वजह से। और अभी सोया है तो इसलिए हम लोग थोड़ा शांति से एक साथ खा पा रहे हैं आज। पूरी देखो कितना फूला फूला हुआ है। हाँ, गर्म था तो फूलेगा ही। अच्छा लग रहा है। तो ऑयली तो हम लोग इतना खाते नहीं है, तो आज कुछ स्पेशल है तो हम लोग आज पूरी बना के खा रहे हैं। और बच्चा जब उठ जाएगा तो हम लोग का खाना भी तब तक हम लोग खत्म कर लेते हैं। और आगे हम लोग क्या करते हैं शाम को आप लोगों को आगे बताते हैं। और बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो आज बना रहे हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं हो रहा है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अभी हमारा लंच एंजॉय करते हैं और आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाने वाले हैं और इसको खिला रहे हैं, फिर भी नहीं खा रहा है ये। और अभी सो के उठा, कुछ भी नहीं खा रहा है। खा लो थोड़ा, खा लो, खा लो। दोस्तों हम लोग पूरा गेटअप में आ गए हैं और हम लोग रेडी हैं और
माँ बेटे पूरा रेड पहन के मैचिंग हम लोग मैचिंग करते हैं, मदर सन मैचिंग। हाँ, पापा को बोले रेड पहनो तो बोले कि मेरे पास नया वाला नहीं है रेड, तो मैं व्हाइट में ही ठीक हूँ। तो अभी हमारे सामने है केक, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का केक, और आप लोग तो जानते ही होंगे हमारा कुछ भी फंक्शन हो हमारा घर का स्पेशल छेना पोड़ा बनता ही बनता है, क्योंकि हम दोनों का फेवरेट है। और अध्ययन आज फर्स्ट टाइम खाएगा, देखते हैं उसको भी कैसा लगता है। और हम लोग ये छोटा सा केक लाए हैं, ओरियो केक। और जैसे कि हम लोग का फोर्थ एनिवर्सरी है तो कैंडल फोर का एक कैंडल लगाए हैं, बस सिंपल सा सेलिब्रेशन है। और यहाँ पे हम लोग केक कटिंग करके जाएंगे हम लोग अभी बाहर खाना खाने के लिए। तो तुम रेडी हो बेबी? आदि, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर केक कटिंग? यस मींस यस, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं अभी केक कटिंग, और इसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे जाएंगे केक कटिंग करने। हेलो, पहले ब्लो द कैंडल बेबी। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा है ना केक? केक इज टेस्टी। तुम थोड़ा टेस्ट करोगे? यू लाइक इट? यू लाइक इट? यम्मी यम्मी Yummy? Say हम लोग का मतलब नहीं, आप पहले खाओ। और तुम्हें कौन देगा बेबी? कोई नहीं। ये तो आपको पता ही होगा, मतलब ओडिशा का फेमस है छेना पोड़ा, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग बनाए इसको ओवन में बेक किए, तो काफी अच्छा है। मतलब बाहर खाने जाना है और हाँ काफी अच्छा है, और आज अच्छा बना है ना। बहुत दिनों के बाद बनाई फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया था नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए टेस्ट दुगना हो गया। सेम टू सेम लग रहा है ना? मतलब इंडिया के जैसे, कुछ इंडिया ओडिशा के जैसे कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा इंडिया में क्या होता है ओडिशा में थोड़ा डार्क ब्राउन होता है जो कि मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे उतना ब्राउन ये हुआ है तो कैरमलाइज अच्छा से होने से टेस्ट। ओह यू लाइक इट? उसको अच्छा लगा क्योंकि मेरा फेवरेट है ना उसका भी। मेरा भी तो है, बट नहीं था, मेरा उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके खा के अच्छा लग रहा है। तो 4 साल कैसा लगा मेरे साथ रह के? 4 साल में तो मैं बोलूंगी कि 3.5 साल से भी कम, क्योंकि मैं यहाँ पे आए मेरे, मैं तो शादी के बाद 7 मंथ के बाद ही यहाँ पे वैसे आई। तो हाँ, बहुत स्ट्रगल था लाइफ में एडजस्ट करना एक मतलब, बस हर टाइम तो स्मूथ नहीं चलता, लेकिन जो भी था अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ जैसे, और 2 साल तो ऐसे बीत गए, और हमारा जो 3rd एनिवर्सरी था उसमें तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसी में हम लोग बिजी थे, और हम लोग सोचे कि 3rd एनिवर्सरी हम लोग अच्छे से नहीं मना पाए थे कुछ प्रॉब्लम के वजह से, तो हम लोग सोचे कि 4th एनिवर्सरी हम लोग अच्छे से मनाएंगे, लेकिन ये भी शायद इसके वजह से बहुत मुश्किल से सब कुछ हो रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करके हम लोग चलते हैं, तो ये दोनों यहीं पे केक ही खा लेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे जाके क्या खाएंगे पता नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। वक 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 इतने बस ही जाता बस।
और अध्ययन का आज फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ टीवी है ना, तो सब सारे टीवी देख रहे हैं। इधर भी एक है ना, ये वाला देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका मेनू है। ये तो ये वाला है जिंजर एंड विंग्स, तो ये वाला काफ़ी डिलीशियस होता है। हाँ, इन लोगों का सिग्नेचर है। और ये है एपेटाइजर्स, एपेटाइजर्स में हम लोग किए मंगाए हैं टेकमैक चिकन नाचोस, ये भी काफ़ी अच्छा है, डिलीशियस दिख रहा है इधर। और ये कुछ पास्ता है, और इसके बाद सी फूड में भी कुछ कुछ अच्छा है, बर्गर भी है, और यहाँ पे हाउस फेवरेट्स, ये वाला कुछ अच्छा दिख रहा है साइड्स में, मोजरेला चीज़ है क्या, मोजरेला फ्राइज और कुछ है। और ये है डेजर्ट में। ये वाला ऑर्डर किया थे जिंजर एंड विंग। अभी हम लोग का ऑर्डर आ गया, और ये था जिंजर चिकन जिंजर विंग्स, एंड ये है श्रिम्प फ्राइज। तो चलिए खाते हैं अभी। और अंकिता अध्ययन को लेके वहाँ पे, उसको वॉक करने लेके गई है।
दादी बहुत परेशान कर रहा है और ये वॉक करने के लिए बहुत ही मतलब उसको अच्छा लग रहा है वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ कुछ गिरा रहेगा तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको देखना पड़ रहा है गिर गिर जाएगा तो। बदमाश क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आओ वॉक करते करते आओ, कम कम कम। तो आज हमारा स्पेशल डे आप लोगों के साथ शेयर किए, तो होप कि आप लोगों को थोड़ा यूनिक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बच्चे की वजह से थोड़ा हम लोग वीडियो इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट जितना होगा हम लोग डालेंगे। आगे समर आ रहा है तो कहीं पे घूमने जाएंगे, तो सी और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए